हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं निरंजन सोनी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीवी रिपेयर ज्ञान पे। इस वीडियो में हम लोग ये फिलिप्स का टीवी रिपेयर करने वाले हैं और इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि टीवी को ऐसे ऑन करते हैं तो टीवी ऑन रहता है, ठीक ठाक रहता है। हालांकि अभी पावर नहीं दिया है हमने, चलता भी है ये ठीक ठाक, चलते चलते जो है सडनली ये ऑफ हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद पावर काट के देने पर वापस ये चलना शुरू होता है। तो चलिए इसको रिपेयर करें। और रिपेयर करने से पहले फ्रेंड्स, हमारा एके इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट है जहां एलसीडी एलईडी टीवी की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप फ्रेशर है, इस फील्ड में नया आना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस फील्ड में आके अपना करियर बनाए, इसी को अपना रोजी रोटी का साधन बनाए, तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यही वो एकमात्र परफेक्ट जगह है जहाँ पे आप कुछ भी ना जानते हैं, बिल्कुल आप फ्रेशर हो के आते हैं, जीरो लेवल से आते हैं, तो भी आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देके प्रॉपर एक अच्छा टेक्नीशियन बना के भेजते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको फिर कहीं ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतना सक्षम हो जाएंगे कि आप खुद का भी रिपेयरिंग करेंगे, खुद का भी काम करेंगे और आसपास के जो टेक्नीशियन है उनका भी काम आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए इस टीवी को जरा देखें हम लोग कि दिक्कत क्या है। इसमें पावर देते हैं और पावर देने के बाद हाँ फ्रेंड्स, इसमें पावर दे दिया हमने। यहाँ पे दिख रहा होगा इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है। अब इसका रिमोट तो नहीं आया है, ऑन ऑफ स्विच टूटा हुआ है, इसी को प्रेस करते हैं। देखिए प्रेस किया, इंडिकेटर बुझा, लगता है ऑन होगा। ये हो जा भाई, हाँ हो रहा है, फिलिप्स कंपनी का है, ठीक है, ऑन हो गया। ये यहाँ से एक थोड़ा ऑसिलेशन साउंड सुनाई दे रहा है हम लोगों को। फ्रेंड्स, यहाँ से ये इस एरिया से ऑसिलेशन साउंड आ रहा है, आप सुन सकते हैं। देखिए, फॉल्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत बड़ा ही मिले। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए फॉल्ट बड़ा नहीं है, नहीं समझते हैं तो फिर वही छोटा सा फॉल्ट में आप परेशान हो जाएंगे। तो ये जो ऑसिलेशन साउंड था वो यहाँ से दिख रहा था मेन कैपेसिटर के पास से। अब इस पे देखें, वोल्टेज चेक कर रहे हैं डीसी में, तो कितना आ रहा है, 201 वोल्ट। अच्छा, अब एसी इनपुट चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, कितना है, 231 वोल्ट। तो ये देखने में ही संदेहास्पद लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब रेक्टिफाई होके आगे आएगा, फिल्टर्ड होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक बार एसी में चेक करते हैं। तो देखिए, एसी में भी आपको कुछ 100 वोल्ट 99 वोल्ट ऐसे दिख रहा है। अगर कैपेसिटर यहाँ पे सही सही काम कर रहा होता तो यहाँ पे एसी वोल्टेज का तो कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि रेक्टिफायर के बाद जब कैपेसिटर लगेगा तो एसी को पास करेगा, डीसी को रोकता है, आमतौर पे यही काम होता है कैपेसिटर का, और चार्ज के रूप में स्टोर भी करता है। तो एसी वोल्टेज नहीं आना चाहिए, आ रहा है, इसका मतलब कि ये गड़बड़ है। दूसरा कि डीसी वोल्टेज भी कम था, तो ये दोनों बात इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो है आपका ये खराब है। तो अब समय ना बर्बाद करते हुए इसको रिप्लेस करें हम लोग, ठीक है। इसको फटाफट से खोल लेते हैं, इस भाई साहब को डिस्चार्ज करना ना भूलें।
बेचारे में चार्ज ही नहीं है तो डिस्चार्ज कहाँ से होगा, रहने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये निकल गए। अच्छा यहाँ पे पता नहीं क्या गंदगी का जैसा लग रहा है मॉस्फेट के पास, यहाँ भी क्लीन करके रिसोल्ड कर लेना जरूरी है। अब इसको धराधर चेंज करते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा जकरी आया हुआ है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, ठीक है काफ़ी रस्टी है तो इसको निकाल लेते हैं, निकाल के यहाँ पे चेंज करेंगे। और इधर मॉस्फेट के पास भी थोड़ा ड्राई लग रहा है, वो सब रिसोल्ड करके और वापस से इसको निकाल लेते हैं हम लोग। अच्छा ये डैमेज है और एक ख्याल आ रहा है मेरे मन में कि ये कितना है, 100 UF 500 वोल्ट का है, तो क्यों ना इसको चेक भी कर ले कैपेसिटर के रेंज में। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपको करके देख ही लेना चाहिए। सॉरी, हाँ ये NF कैपेसिटर के रेंज में तो ये 100 UF दिखाना चाहिए। अभी देखिए ये कितना UF दिखा रहा है। ओहो, ये बेचारा पूरी तरह से ओपन है, देखा भाइयों आपने, ये ओपन है, खत्म है इसका कहानी। सर भी रहा था यहाँ, ओहो ये हाथ में आ गया, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, कोई नहीं। तो केवल कैपेसिटर ही बदल के नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे जो जो कुछ ड्राई लग रहा है सबको एक बार रिसोल्ड कर लेना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा अगर कोई गलती रह गया तो फिर बाद में फॉल्ट रिपीट आ जाता है। तो सबको अच्छा से रिसोल्ड करके ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रस्टी लग रहा था तो क्या करेंगे कि अलग से सोल्डर ऐड करके और पुराना सारा खींच लेंगे और वहाँ पर नया सोल्डर ऐड कर देंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। अब हमारा आदत ये है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ हो तो थोड़ा लेट ही लगे लेकिन काम कम्प्लीटली 3 सेकंड। तो कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया है ठीक है, और जहाँ जहाँ पे ड्राई सोल्डर लग रहा था वो सबको अच्छे से रिसोल्ड करके क्लीन कर दिया है, बिल्कुल फिट। अब इसमें इसको फिट करके पावर देके चेक करेंगे। ये पावर सप्लाई का आउटपुट जैक, ये हो गया CCFL ट्यूब का कनेक्टर, 4 CCFL ट्यूब है फ्रेंड्स इसमें, है ना। और ये LCD टीवी का मॉडल है, याद रखिएगा। इस तरह का जो बैकलाइट का सर्किट है और ये जो ऐसा जो इंटरफेस है ट्यूब के लिए, बैकलाइट के लिए, ये LCD वाले में लगता है। इसके अंदर ग्लास के अंदर CCFL ट्यूब होगा। तो ऑलमोस्ट हो चला है, अब इसमें पावर देकर चेक कर लेंगे हम लोग। फ्रेंड्स तो पावर दे दिया हमने ठीक है, ये रेड इंडिकेटर चल रहा है और एक बार मेन फिल्टर पे देख ले हम लोग कि कितना वोल्ट बन रहा है। देखिए 317 बन रहा है DC के रेंज में, और AC के रेंज में देखिए कुछ नहीं बनना चाहिए, कुछ नहीं है, 0-0 है। ये होता है सही फिल्ट्रेशन की पहचान।
अब इसको ऑन करने जा रहे हैं हम लोग। पावर बटन प्रेस करेंगे, ऑन हुआ हुआ हाँ हुआ। ये फिलिप्स कंपनी का है तो कंपनी का लोगो आ गया। ये ऑन होने दीजिए। ऑसिलेशन साउंड सुनना बहुत जरूरी है, कोई नॉइस नहीं है। माइक्रोफोन को यहाँ पे और सप्लाई के पास, कोई भी नॉइस नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारा मानना है कि टीवी ये सुधर गया, फॉल्ट इतना ही माइनर सा था। हालांकि जब हम लोग खोलते हैं तो केवल उतना ही दूर काम नहीं करते, अगर अगल बगल कुछ आपको गड़बड़ दिख रहा है खासकर पावर सप्लाई में तो उसको जरूर सुधारे, अन्यथा आपका जो दिख रहा है उतना ही करके छोड़ देंगे तो फिर आगे आपको कोई ना कोई फॉल्ट पकड़ लेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो से आपका कुछ भी ज्ञान बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना सुझाव लिख के दे सकते हैं, और नहीं तो हमारा उत्साहवर्धन करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।